शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो कादिर मुतलक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाने काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। और हमने मूसा को किताब इनायत की थी और उसको बनी इसराइल के लिए रहनुमा मुकर्रर किया था कि मेरे सिवा किसी को कारसाज न ठहराना। ऐ उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे थे। और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम जमीन में दो दफा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। बस जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वो शहरों के अंदर फैल गए और वो वादा पूरा होकर रहा। फिर हमने दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको जमात कसीर बना दिया। अगर तुम नेकुकारी करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे और अगर आमाले बद करोगे तो उनका वबाल भी तुम्हारी ही जानों पर होगा। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने फिर अपने बंदे भेजे ताकि तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें और जिस तरह पहली दफा मस्जिद बैतुल मक़दस में दाखिल हो गए थे उसी तरह फिर उसमें दाखिल हो जाएं और जिस चीज पर गलबा पाएं उसे तबाह कर दें। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करे और अगर तुम फिर वही हरकतें करोगे तो हम भी वही पहला सलूक करेंगे। और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैदखाना बना रखा है। ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं बिशारत देता है कि उनके लिए अजर अजीम है। और यह भी बताता है कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और इंसान जिस तरह जल्दी से भलाई मांगता है उसी तरह बुराई मांगता है और इंसान बड़ा जल्दबाज है। और हमने दिन और रात को दो निशानियां बनाया है, सो रात की निशानी को तारीख बनाया और दिन की निशानी को रोशन, ताकि तुम अपने परवरदिगार का फजल यानी रोजी तलाश करो और बरसों का शुमार और हिसाब जानो। और हमने हर चीज की बखूबी तफसील कर दी है और हमने हर इंसान के आमाल नामे को बसूरत किताब उसके गले में लटका दिया है और कयामत के रोज वो किताब उसे निकाल दिखाएंगे जिसे वो खुला हुआ देखेगा। कहा जाएगा कि अपनी किताब पढ़ ले, तू आज अपना आप ही हिसाब करने वाला काफी है। जो शख्स हिदायत इख्तियार करता है तो अपने लिए इख्तियार करता है और जो गुमराह होता है तो गुमराही का जरर भी उसी को होगा। और कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा और जब तक हम पैगंबर न भेज लें अजाब नहीं दिया करते। और जब हमारा इरादा किसी बस्ती के हलाक करने का हुआ तो वहां के आसूदा लोगों को फवाहिश पर मामूर कर दिया तो वो नाफरमानियां करते रहे, फिर उस पर अजाब का हुक्म साबित हो गया और हमने उसे हलाक कर डाला। और हमने नूह के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला। और तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने वाला काफी है। जो शख्स दुनिया की आसूदगी का ख्वाहिशमंद हो तो हम उसमें से जिसे चाहते हैं और जितना चाहते हैं जल दे देते हैं, फिर उसके लिए जहन्नम को ठिकाना मुकर्रर कर रखा है जिसमें वो नफरीन सुनकर और दरगाहे इलाही से रांदा होकर दाखिल होगा। और जो शख्स आखिरत का खास्तगार हो और उसमें उतनी कोशिश करे जितनी उसे लायक है और वो मोमिन भी हो तो ऐसे ही लोगों की कोशिश ठिकाने लगती है। हम उनको और उनको सबको तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश से मदद देती हैं और तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश किसी से रुकी हुई नहीं। देखो हमने किस तरह बाज को बाज पर फजीलत बख्शी है और आखिरत दर्जों में दुनिया से बहुत बरतर और बरतरी में कहीं बढ़कर है। और अल्लाह के साथ कोई और माबूद ना बनाना कि मलामतें सुनकर और बेकस होकर बैठे रह जाओगे। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक न कहना और न उन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना और इज्जो नियाज से उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ऐ परवरदिगार जैसा इन्होंने मुझे बचपन में शफकत से परवरिश किया है
तू भी इनके हाल पर रहमत फरमा, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम्हारा परवरदिगार उससे बखूबी वाकिफ है। अगर तुम नेक होगे तो वो रुजू लाने वालों को बख्श देने वाला है, और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो, और फजूल खर्ची से माल न उड़ाओ, कि फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्रा है। और अगर तुम अपने परवरदिगार की रहमत यानी फराख दस्ती के इंतजार में, जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, इन मुस्तहकीन की तरफ तवज्जो न कर सको, तो इनसे नरमी से बात कह दिया करो, और अपने हाथ को न तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं, और न बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो, और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और हसरत ज़दा होकर बैठ जाओ। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जिसकी रोजी चाहता है फराख कर देता है, और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है, वो अपने बंदों से खबरदार है और उनको देख रहा है। अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से कत्ल न करना, क्योंकि उनको और तुमको हम ही रिस्क देते हैं। कुछ शक नहीं कि उनका मार डालना बड़ा सख्त गुनाह है, और जिना के पास भी न जाना कि वो बेहयाई है और बुरी राह है, और जिस जानदार का मारना अल्लाह ने हराम किया है उसे कत्ल न करना मगर जायज तौर पर यानी बफतवाए शरीयत, और जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है कि जालिम कातिल से बदला ले, तो उसको चाहिए कि कत्ल के किसास में ज्यादती न करे कि वो मंसूर फतायाब है, और यतीम के माल के पास भी ना फटकना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत बेहतर हो, यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए, और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में जरूर पुरसिश होगी, और जब कोई चीज नाप कर देने लगो तो पैमाना पूरा भरा करो, और जब तोल कर दो तो तराजू सीधी रखकर तोला करो, ये बहुत अच्छी बात और अंजाम के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। और ए बंदे, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे ना पड़, कि कान और आंख और दिल इन सब आजा के बारे में जरूर बासपुरस होगी, और जमीन पर अकड़ कर और तन कर मत चल, कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। इन सब आदतों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है। ए पैगंबर, ये उन हिदायतों में से हैं जो अल्लाह ने हिकमत की बातें तुम्हारी तरफ वही की हैं, और अल्लाह के साथ कोई और माबूद न बनाना कि ऐसा करने से मलामत ज़दा और रांदाए दरगाह बनाकर जहन्नम में डाल दिए जाओगे। मुशरिको, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तो लड़के दिए और अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बनाया? कुछ शक नहीं कि यह तुम बड़ी नामाकूल बात कहते हो, और हमने इस कुरान में तरह तरह की बातें बयान की हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें, मगर वो इससे और बिदक जाती हैं। कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद होते जैसा कि ये कहते हैं तो वो जरूर अर्श वाले की तरफ लड़ने भिड़ने के लिए रास्ता निकालते, वो पाक है, और जो कुछ ये बकवास करते हैं उससे उसका रुतबा बहुत आली है। सातों आसमान और जमीन और जो लोग उनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूकात में से कोई चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार है, गफ्फार है। और ऐ नबी, जब तुम कुरान पढ़ा करते हो तो हम तुम में और उन लोगों में जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते छुपा हुआ पर्दा यानी हिजाब डाल देते हैं, और उनके दिलों पर भी पर्दे डाल देते हैं कि उसे समझ न सकें, और उनके कानों में सिकल पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार यक्ता का जिक्र करते हो तो वो लोग बिदक जाते हैं और पीठ फेर कर चल देते हैं। ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं, और जब ये सरगोशियां करते हैं यानी जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है, देखो इन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाई हैं, सो ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते, और कहते हैं कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और चूर चूर हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होकर उठेंगे। कह दो कि खा तुम पत्थर हो जाओ या लोहा या कोई और चीज जो तुम्हारे नजदीक पत्थर और लोहे से भी ज्यादा सख्त हो, झट कहेंगे कि भला हमें दोबारा कौन जिलाएगा। कह दो कि वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया तो ताज्जुब से तुम्हारे आगे सर हिलाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा कब होगा। कह दो उम्मीद है कि जल्द होगा। जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा
तो तुम उसकी तारीफ के साथ जवाब दोगे और ख्याल करोगे कि तुम दुनिया में बहुत कम मुद्दत रहे। और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हों, क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवा देता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खूब वाकिफ है, अगर चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे। और हमने तुमको उन पर दारोगा बनाकर नहीं भेजा। और जो लोग आसमानों और जमीन में हैं, तुम्हारा परवरदिगार उनसे खूब वाकिफ है। और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को जबूर इनायत की। कहो कि मुशरिको, जिन लोगों की निस्बत तुम्हें माबूद होने का गुमान है उनको बुला देखो, वो तुमसे तकलीफ के दूर करने या उसके बदल देने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये लोग जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो खुद अपने परवरदिगार के यहां जरिया तकर्रुब तलाश करते रहते हैं कि कौन उनमें अल्लाह का ज्यादा मुकर्रब होता है, और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अजाब से खौफ रखते हैं। बेशक तुम्हारे परवरदिगार का अजाब डरने की चीज है। और कुफ्र करने वालों की कोई बस्ती नहीं मगर कयामत के दिन से पहले हम उसे हलाक कर देंगे या उसे सख्त अजाब देंगे। ये किताब यानी तकदीर में लिखा जा चुका है, और हमने निशानियां भेजनी इसलिए मौकूफ कर दी कि पहले लोगों ने इसकी तकजीब की थी। और हमने समूद को ऊंटनी नबूवत सवाले की खुली निशानी दी तो उन्होंने उस पर जुल्म किया, और हम जो निशानियां भेजा करते हैं तो डराने को। और जब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों का इहाता किए हुए है और जो मंजर हमने तुम्हें दिखाया उसको लोगों के लिए आजमाइश किया, और इसी तरह थूहर के दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई और हम उन्हें डराते हैं तो इससे उनकी सरकशी में इजाफा होता है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया, बोला कि भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। और अज़राह तंस कहने लगा कि देख तो यही वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है, अगर तू मुझको कयामत के दिन तक की मोहलत दे तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा इसकी तमाम औलाद की जड़ काटता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया यहां से चला जा, जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तुम सबकी जजा जहन्नम है और वो पूरी सजा है। और इनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज से बहकाता रहे और इन पर अपने सवारों और प्यादों को चढ़ाकर लाता रहे और इनके माल और औलाद में शरीक होता रहे और इनसे वादा करता रहे, और शैतान जो वादे इनसे करता है सब धोखा है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं, और ऐ पैगंबर तुम्हारा परवरदिगार कारसास काफी है। तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियां चलाता है ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलाश करो, बेशक वो तुम पर मेहरबान है। और जब तुमको समंदर में तकलीफ पहुंचती है यानी डूबने का खौफ होता है तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब उस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाती हैं। फिर जब वो तुमको डूबने से बचाकर खुशकी की तरफ ले जाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो, और इंसान है ही ना शुक्रा। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुशकी की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे या तुम पर संग्रेजों की भरी हुई आंधी चला दे फिर तुम अपना कोई निगहबान ना पाओ, या इस बात से बेखौफ हो कि तुमको दूसरी दफा समंदर में ले जाए फिर तुम पर तेज हवा चलाए और तुम्हारे कुफ्र के सबक तुम्हें डुबो दे, फिर तुम उस मामले में अपने लिए कोई बाज पुरस करने वाला ना पाओ। और हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी और उनको खुशकी और तरी में सवारी दी और पाकीजा रोजी अता की और अपनी बहुत सी मखलूकात पर फजीलत दी। जिस दिन हम सब लोगों को उनके पेशवाओं के साथ बुलाएंगे तो जिनके आमाल की किताब उनके दाहिने हाथ में दी जाएगी वो अपनी किताब को खुश हो होकर पढ़ेंगे, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म ना होगा। और जो शख्स इस दुनिया में अंधा हो वो आखिरत में भी अंधा होगा और नजात के रस्ते से बहुत दूर। और ऐ पैगंबर, जो वही हमने तुम्हारी तरफ भेजी है करीब था कि ये काफिर लोग तुमको उससे बहका दें ताकि तुम उसके सिवा और बातें हमारी निस्बत बना लो, और उस वक्त वो तुमको दोस्त बना लेते, और अगर हम तुमको साबित कदम न रहने देते तो तुम किसी कदर उनकी तरफ माइल होने ही लगे थे। उस वक्त हम तुमको जिंदगी में भी अजाब का दुगना और मरने पर भी दुगना मजा चखाते, फिर तुम हमारे मुकाबले में किसी को अपना मददगार न पाते। और करीब था कि ये लोग तुम्हें जमीन मक्का से फिसला दें
ताकि तुम्हें वहां से निकाल दें, और उस वक्त तुम्हारे बाद ये भी न रहते मगर कम। जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे थे उनका और उनके बारे में हमारा यही तरीक रहा है, और तुम हमारे तरीक में तगय्युर व तबद्दुल न पाओगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक जोहर, असर, मगरिब, ईशा की नमाजें और सुबह को कुरान पढ़ा करो, क्योंकि सुबह के वक्त कुरान का पढ़ना फरिश्तों की हाजिरी का मौका होता है। और बाज हिस्से शब में बेदार हुआ करो और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, ये शब खेजी तुम्हारे लिए एक इजाफी अमल है। उम्मीद है कि अल्लाह तुमको मकाम महमूद पर फाइज फरमाए। और कहो कि ऐ परवरदिगार, मुझे मदीने में अच्छी तरह दाखिल कीजो और मक्के से अच्छी तरह निकालियो, और अपने हाथ से जोर और कुव्वत को मेरा मददगार बनाइयो, और कह दो कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया, बेशक बातिल नाबूद होने वाला है। और हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और जालिमों के हक में तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। और जब हम इंसान को नेमत बख्शते हैं तो रूगरदां हो जाता है और पहलू फेर लेता है, और जब उसे सख्ती पहुंचती है तो नाउम्मीद हो जाता है। कह दो कि हर शख्स अपने तरीक के मुताबिक अमल करता है, सो तुम्हारा परवरदिगार उस शख्स से खूब वाकिफ है जो सबसे ज्यादा सीधे रस्ते पर है। और तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो कि वो मेरे परवरदिगार का एक हुक्म है, और तुम लोगों को बहुत ही कम इल्म दिया गया है। और अगर हम चाहें तो जो किताब हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं उसे दिलों से महव कर दें, फिर तुम उसके लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार न पाओ, मगर उसका कायम रहना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, कुछ शक नहीं कि तुम पर उसका बड़ा फजल है। कह दो कि अगर इंसान और जिन इस बात पर मुज्तमे हों कि इस कुरान जैसा बना लाएं तो इस जैसा न ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार हों। और हमने कुरान में सब बातें तरह तरह से बयान कर दी हैं, मगर अक्सर लोगों ने इनकार करने के सिवा कबूल न किया, और कहने लगे कि हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अजीब और गरीब बातें ना दिखाओ, यानी या तो हमारे लिए जमीन से चश्मा जारी कर दो, या तुम्हारा खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो और उसके बीच में नहरें बहा निकालो, या जैसा तुम कहा करते हो हम पर आसमान के टुकड़े गिरा दो, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ले आओ, या तुम्हारा सोने का घर हो, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ, और हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक के कोई किताब न लाओ जिसे हम पढ़ भी लें। कह दो कि मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने वाला इंसान हूं। और जब लोगों के पास हिदायत आ गई तो उनको ईमान लाने से इसके सिवा कोई चीज माने न हुई कि कहने लगे कि क्या अल्लाह ने आदमी को पैगंबर करके भेजा है। कह दो कि अगर जमीन में फरिश्ते होते कि इसमें चलते फिरते और रहते बसते तो हम उनके पास किसी फरिश्ते को पैगंबर बनाकर भेजते। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है, वही अपने बंदों से खबरदार है और उनको देखने वाला है, और जिस शख्स को अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याब है, और जिनको गुमराह रहने दे तो तुम अल्लाह के सिवा उनके रफीक नहीं पाओगे। और हम उनको कयामत के दिन औंधे मुंह, अंधे, गूंगे और बहरे बनाकर उठाएंगे, और उनका ठिकाना दोजख है। जब उसकी आग बुझने को होगी तो हम उनको अजाब देने के लिए उसे और भड़का देंगे, ये उनकी सजा है, इसलिए कि वो हमारी आयतों से कुफ्र करते थे और कहते थे कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा किए जाएंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है इस बात पर कादिर है कि उन जैसे लोग पैदा कर दे, और उसने उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है जिसमें कुछ भी शक नहीं, तो जालिमों ने इनकार के सिवा उसे कबूल न किया। कह दो कि अगर मेरे परवरदिगार की रहमत के खजाने तुम्हारे हाथ में होते तो तुम खर्च हो जाने के खौफ से उनको बंद कर रखते, और इंसान दिल का बहुत तंग है। और हमने मूसा को नौ खुली निशानियां दी तो बनी इसराइल से दरियाफ्त कर लो कि जब वो उनके पास आए तो फिरौन ने उनसे कहा कि मूसा मैं ख्याल करता हूं कि तुम पर जादू किया गया है। उन्होंने कहा कि तुम ये जानते हो कि आसमानों और जमीन के परवरदिगार के सिवा इसको किसी ने नाजिल नहीं किया, और वो भी तुम लोगों के समझाने को, और ऐ फिरौन मैं ख्याल करता हूं कि तुम हलाक हो जाओगे। तो उसने चाहा कि उनको सरजमीन मिस्र से निकाल दे,
तो हमने उसको और जो उसके साथ थे सबको डुबो दिया, और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि तुम उस मुल्क में रहो सहो, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा तो हम तुम सबको जमा करके ले आएंगे। और हमने उस कुरान को सच्चाई के साथ नाजिल किया है और वो सच्चाई के साथ नाजिल हुआ। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, और हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाओ, और हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा है। कह दो कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, ये फी नफसे ही हक है। जिन लोगों को इससे पहले इल्मे किताब दिया गया है, जब वो इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हमारे परवरदिगार का वादा पूरा होकर रहा, और वो ठोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं और रोते जाते हैं, और उससे उनको और ज्यादा आजिजी पैदा होती है। कह दो कि तुम माबूद बरहक को अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से, जिस नाम से पुकारो उसके सब नाम अच्छे हैं, और नमाज न बुलंद आवाज से पढ़ो और न आहिस्ता, बल्कि इसके बीच का तरीका इख्तियार करो, और कहो कि सब तारीफ अल्लाह ही को है जिसने न तो किसी को बेटा बनाया है और न उसकी बादशाही में कोई शरीक है, और न इस वजह से कि वो आजिज़ और नातवां है कोई उसका मददगार है, और उसको बड़ा जानकर उसकी बड़ाई करते रहो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह ही को है जिसने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर यह किताब नाजिल की, और इसमें किसी तरह की गजी और पेचीदगी न रखी, बल्कि सीधी और सलीस उतारी ताकि लोगों को अजाब सख्त से जो उसकी तरफ से आने वाला है डराए, और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए उनके कामों का नेक बदला यानी बहिश्त है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को भी डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। इनको इस बात का कुछ भी इल्म नहीं और न इनके बाप दादा ही को था। यह बड़ी सख्त बात है जो इनके मुंह से निकलती है, और कुछ शक नहीं कि ये जो कुछ कहते हैं महज झूठ है। ऐ पैगंबर, अगर ये इस कलाम पर ईमान न लाए तो शायद तुम इनके पीछे रंज कर करके अपने तई हलाक कर दोगे। जो चीज जमीन पर है हमने उसको जमीन के लिए जीनत बनाया है ताकि लोगों की आजमाइश करें कि उनमें कौन अच्छे अमल करने वाला है, और जो चीज जमीन पर है हम उसको नाबूद करके बंजर मैदान कर देंगे। क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लौह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब वो नौजवान गार में जा रहे तो कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती के सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा यानी उनको सुलाए रखा, फिर उनको जगा उठाया ताकि मालूम करें कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे दोनों जमातों में से उसकी मकदार किसको खूब याद है। हम उनके हालात तुमसे सही सही बयान करते हैं। वो कई नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे, और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी थी, और उनके दिलों को मरबूत यानी मजबूत कर दिया। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद समझकर न पुकारेंगे। अगर ऐसा किया तो उस वक्त हमने बेअकली की बात की, इन हमारी कौम के लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना रखे हैं, भला ये उनके माबूद होने पर कोई खुली दलील क्यों नहीं हिलाते? तो उससे ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? और जब तुमने इन मुशरिकों से और जिनकी ये अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं उनसे किनारा कर लिया है तो गार में चल रहो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत वसी कर देगा और तुम्हारे कामों में आसानी के सामान मुहैया करेगा। और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि धूप उनके गार से दाहिनी तरफ सिमट जाए, और जब गुरूब हो तो उनसे बाईं तरफ कतरा जाए, और वो उस गार के कुशादा हिस्से में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से हैं, जिसको अल्लाह हिदायत दे वो हिदायत याब है, और जिसको गुमराह रहने दे तो तुम उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला ना पाओगे। और तुम उनके मुतालिक ख्याल करो कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सोते हैं, और हम उनको दाईं और बाईं करवट बदलाते थे, और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और उनसे दहशत में आ जाते।
और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहां कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा कि एक दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा कि जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही उसको खूब जानता है, तो अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे कि नफीस खाना कौन सा है तो उसमें से खाना ले आए, और एहतियात से आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। अगर वो तुम पर दस्तरस पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या फिर अपने मजहब में दाखिल कर लेंगे, और उस वक्त तुम कभी फला नहीं पाओगे। और इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल से खबरदार कर दिया ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि कयामत जिसका वादा किया जाता है उसमें कुछ शक नहीं। उस वक्त लोग उनके बारे में बाहम झगड़ने लगे और कहने लगे कि उनके गार पर इमारत बना दो। उनका परवरदिगार उनके हाल से खूब वाकिफ है। जो लोग उनके मुआवले में गलबा रखते थे वो कहने लगे कि हम उनके गार पर मस्जिद बनाएंगे। बाज लोग अटकल पच्चू कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो पांच थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ है, उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग जानते हैं, तो तुम उनके मामले में बहस ना करना मगर सरसरी सी बहस, और न उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ दरियाफ्त ही करना, और किसी काम की निस्बत न कहना कि मैं इसे कल कर दूंगा मगर इंशाअल्लाह कहकर, यानी अगर अल्लाह चाहे तो कर दूंगा, और जब अल्लाह का नाम लेना भूल जाओ तो याद आने पर ले लो, और कह दो कि उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत की बातें बताए। और असहाबे कहफ अपने गार में 900 साल रहे। कह दो कि जितनी मुद्दत वो रहे उसे अल्लाह ही खूब जानता है, उसी को आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें मालूम हैं, वो क्या खूब देखने वाला और क्या खूब सुनने वाला है, उसके सिवा उनका कोई कारसाज नहीं और न वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। और अपने परवरदिगार की किताब को जो तुम्हारे पास भेजी जाती है पढ़ते रहा करो, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और उसके सिवा तुम कहीं पना भी नहीं पाओगे। और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते और उसकी खुशनूदी के तालिब हैं उनके साथ सब्र करते रहो, और तुम्हारी निगाहें उनमें से गुजर कर और तरफ न दौड़े कि तुम दुनियावी जिंदगी की रौनकों के खास्तगार हो जाओ। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया है, उसका कहा न मानना। और कह दो कि लोगों ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे, हमने जालिमों के लिए दोजख की आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको घेर रही होंगी, और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे खौलते हुए पानी से उनकी दादरसी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म होगा और जो उनके चेहरों को भून डालेगा। उनके पीने का पानी भी बुरा और आरामगाह भी बुरी। और जो ईमान लाए और काम भी नेक करते रहे तो हम नेक काम करने वालों का अजर जाया नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें उनके महलों के नीचे नहरें बह रही हैं, उनको वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक दीबा और अतलस के सब्ज कपड़े पहना करेंगे और तख्तों पर तकिए लगाकर बैठा करेंगे। क्या खूब बदला और क्या खूब आरामगाह है। और इनसे दो शख्सों का हाल बयान करो जिनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग इनायत किए थे और उनके गिरदा गिर्द खजूरों के दरख्त लगा दिए थे और उनके दरमियान खेती पैदा कर दी थी। दोनों बाग कसरत से फल लाते और उसकी पैदावार में किसी तरह की कमी न होती, और दोनों में हमने एक नहर भी जारी कर रखी थी, और इस तरह उस शख्स को उनकी पैदावार मिलती रहती थी। तो एक दिन जबकि वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था, कहने लगा कि मैं तुमसे मालो दौलत में भी ज्यादा हूं और जथे और जमात के लिहाज से भी ज्यादा इज्जत वाला हूं, और ऐसी शेखियों से अपने हक में जुल्म करता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ। कहने लगा कि मैं नहीं ख्याल करता कि यह बाग कभी तबाह हो और न ख्याल करता हूं कि कयामत बरपा हो, और अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो वहां जरूर इससे अच्छी जगह पाऊंगा। तो उसका दोस्त जो उससे गुफ्तगू कर रहा था कहने लगा कि क्या तुम उस जात से कुफ्र करते हो जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुम्हें पूरा आदमी बनाया? मगर मैं तो यह कहता हूं कि अल्लाह ही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला क्यों ना कहा?
अगर तुम मुझे मालो औलाद में अपने से कमतर देखते हो तो अजब नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर अता फरमाए और तुम्हारे इस बाग पर आसमान से आफत भेज दे तो वो साफ मैदान हो जाए, या इस बाग की नहर का पानी गहराई में उतर जाए तो फिर तुम उसे तलाश ना कर सको, और उसके मेवों को अजाब ने आ घेरा और वो अपनी छतरियों पर गिर कर रह गया, तो जो माल उसने उस पर खर्च किया था उस पर हसरत से हाथ मलने लगा और कहने लगा कि काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता। उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हुई और न वो बदला ले सका। यहां से साबित हुआ कि हुकूमत सब अल्लाह की है, जो माबूद बरहक है वही बेहतरीन सवाब अता करने वाला और बेहतरीन अंजाम लाने वाला है। और इनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कर दो कि वो ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन की पैदावार मिलकर निकली, फिर वो चूरा चूरा हो गई कि हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं, और अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखता है। माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की रौनक और जीनत हैं, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहां बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ मैदान देखोगे और इन लोगों को हम जमा कर लेंगे तो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, और सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ बांध कर लाए जाएंगे, तो हम इनसे कहेंगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था उसी तरह आज तुम हमारे सामने आए, लेकिन तुमने तो ये ख्याल कर रखा था कि हमने तुम्हारे लिए कयामत का कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया, और आमाल की किताब खोल कर रखी जाएगी तो तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा होगा उससे डर रहे होंगे और कहेंगे हाय शामत, ये कैसी किताब है कि न छोटी बात को छोड़ती है न बड़ी को, कोई बात भी नहीं मगर उसे लिख रखा है, और जो जो अमल किए होंगे सबको हाजिर पाएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इबलीस ने न किया, वो जिन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया, क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है, और शैतान की दोस्ती जालिमों के लिए अल्लाह की दोस्ती का बुरा बदल है। मैंने उनको न तो आसमानों और जमीन के पैदा करने के वक्त बुलाया था और न खुद उनके पैदा करने के वक्त, और मैं ऐसा न था कि गुमराह करने वालों को मददगार बनाता। और जिस दिन अल्लाह फरमाएगा कि अब मेरे शरीकों को जिनकी निस्बत तुम माबूद होने का गुमान रखते थे बुलाओ, तो वो उनको बुलाएंगे मगर वो उनको कुछ जवाब न देंगे, और हम उनके दरमियान हलाकत की एक जगह बना देंगे, और गुनाहगार लोग दोजख को देखेंगे तो यकीन कर लेंगे कि वो उसमें पड़ने वाले हैं और उससे बचने का कोई रास्ता ना पाएंगे। और हमने इस कुरान में लोगों के समझाने के लिए तरह तरह की मिसालें बयान फरमाई हैं, लेकिन इंसान सब चीजों से बढ़कर झगड़ालू है, और लोगों के पास जब हिदायत आ गई तो उनको किस चीज ने मना किया कि ईमान लाएं और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगे, बजुज इसके कि इस बात के मुंतजिर हों कि उन्हें भी पहलों का सा मामला पेश आए या उन पर अजाब सामने से आ जाए। और हम जो पैगंबरों को भेजा करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोगों को अल्लाह की नेमतों की खुशखबरियां सुनाएं और अजाब से डराएं, और जो काफिर हैं वो बातिल की मदद से झगड़ा करते हैं ताकि उससे हक को फिसला दें, और उन्होंने हमारी आयतों को और जिस चीज से उनको डराया जाता है उसे हंसी बना लिया है, और उससे बढ़कर जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार की आयात के जरिए समझाया गया तो उसने उनसे मुंह फेर लिया और जो अमाल वो आगे कर चुका उसको भूल गया। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि उसे समझ न सकें, और कानों में सिक्ल पैदा कर दिया है कि सुन न सकें, और अगर तुम उनको रस्ते की तरफ बुलाओ तो कभी रस्ते पर ना आएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला साहिब रहमत है। अगर वो उनके करतूतों पर उनको पकड़ने लगे तो उन पर झट अजाब भेज दे, मगर उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है कि उसके अजाब से कोई पनाह की जगह ना पाएंगे। और ये बस्तियां जो वीरान पड़ी हैं जब इन्होंने कुफ्र करके जुल्म किया तो हमने इनको तबाह कर दिया और इनकी तबाही के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया था। और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह न पहुंच जाऊं टलने का नहीं, खास सदियों चलता रहूं,
फिर जब वो दोनों उन दरियाओं के संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए। फिर उस मछली ने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारा खाना लाओ, इस सफर से हमको बहुत थकान हो गई है। उसने कहा कि भला आपने देखा कि जब हमने उस चट्टान के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया और उस मछली ने अजीब तरह से दरिया में अपना रास्ता बनाया। मूसा ने कहा यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो अपने पांव के निशान देखते देखते लौट गए। वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने हाथ से रहमत खास से नवाजा था और अपने पास से एक खास इल्म बख्शा था। मूसा ने उनसे, जिनका नाम खिज्र था, कहा कि जो इल्म अल्लाह की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज्र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हो। मूसा ने कहा अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाइएगा और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूंगा। खिज्र ने कहा अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे ना करूं। तो दोनों चल पड़े। यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिज्र ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा क्या आपने इसको इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दी? यह तो आपने बड़ी अजीब बात की। खिज्र ने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे? मूसा ने कहा कि जो भूल मुझसे हुई उस पर मुआवजा न कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल न डालिए। फिर दोनों चले। यहां तक कि रस्ते में एक लड़का मिला तो खिज्र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर किसास के मार डाला, ये तो आपने बुरी बात की।